वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ देखिए जी किस कदर खूबसूरत मंजर है। सुबह का वक्त है, पहाड़ है, और सुबह उठते सार आप किचन में आओ और सामने ये मंजर हो तो दिन बन जाता है। यहाँ पे हो रही है जी नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट और साथ में चाय होगी। हल्का फुल्का सा नाश्ता करेंगे, पराठा खाने का आज मूड नहीं हो रहा था। तो फ्रेंच टोस्ट की सिंपल सी रेसिपी है, आपने दूध लेना है, अंडे लेने हैं, शुगर ऐड करनी है, साथ में आप वेनिला एसेंस ऐड कर सकते हो, सिनेमन पाउडर या कार्डमम पाउडर, जो आपको इन तीनों में से पसंद हो ऐड कर सकते हो, या कुछ भी ऐड ना करें आप स्किप कर दें, जस्ट अंडा दूध और शुगर ऐड करके अच्छे से विस्क कर लें, और फिर ब्रेड को दोनों साइड से डिप करके इसको फ्राई कर ले। हल्के से बटर के साथ कीजिएगा, बटर के साथ इसका ज़्यादा फ्लेवर आता है। और साथ में कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का फ्रूट ले सकते हैं, चॉकलेट सिरप ऐड कर लें, और फ्रेश क्रीम भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हो रही है जी डिनर की तैयारी, और डिनर से पहले मुझे ये दो काम करने थे। एक तो मुझे फ्रोज़न कबाब बनाने के लिए चिकन को बॉईल करके श्रेड करके रखना था, और साथ में मुझे दूसरी तरफ मैंने रेड किडनी बीन्स बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, जो कि मैं इनको कूल डाउन करने के बाद फ्रीज़ कर लूँगी। क्योंकि जिन दोनों कामों से फारिग होने के बाद यहाँ पे मैंने कर ली है चिकन बनाने की तैयारी। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, हाफ कप ऑयल लेंगे आप, उसको अच्छे से हीट अप कर लें और उसके अंदर आप चिकन ऐड कर दें। चिकन की भुनाई आपने करनी है हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि ये इसका पानी ज़्यादा रिलीज़ ना हो और चिकन जूसी जूसी सारे। लो फ्लेम के ऊपर चिकन पानी ज़्यादा छोड़ देता है, और फिर उस खाने में वो ड्राई ड्राई सा फील होता है, जो जिसका इतना ना कोई खास मज़ा नहीं आता। तो इसे मैं हमेशा इसको हाई फ्लेम के ऊपर ही इसकी भुनाई करती हूँ, चाहे वो बिरयानी के लिए चिकन रेडी करना हो, चाहे कोरमास वगैरह के लिए, हंडिया के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। मैंने इवन पास्ताज वगैरह के अंदर भी चिकन की को ऐड करने के लिए ना आप हाई फ्लेम के ऊपर इसकी हमेशा भुनाई किया करें। और यहाँ पे इसको अच्छे इतनी देर तक हमने पकाना है कि इसका कलर जो है वो वाइट से गोल्डन कलर में आ जाए। गोल्डन कलर आने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, उनको दरमियान से स्लिट कर लेंगे, और 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर को हम काट लेंगे और इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में हम करेंगे 1 चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट और 1/2 कप पानी। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपस में अच्छे से 1-2 दफ़ा चला लेंगे और लिड लगा के इसको रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इसको कवर करके रखेंगे, तब तक टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और उनकी स्किन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। पाँच से सात मिनट के बाद हम ढक्कन उठा के चेक कर लेंगे, और ये देखें जिस टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे हम इनकी स्किन को रिमूव कर लेंगे सारे पीसेस के ऊपर से, और फिर साथ में इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 5 से 6 टेबल स्पून हम योगर्ट ऐड करेंगे, उसको अच्छे से फेंट के ऐड करेंगे। अभी सॉल्ट एंड योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और इसकी अच्छे से खुशबू आनी स्टार्ट नहीं हो जाती। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, इसके अलावा और कोई स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाती, जस्ट ये सिंपल सी ग्रीन चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटोज। Bye.
और ये देखें जी माशाल्लाह से चिकन का सालन बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। अभी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पर। और ये मैंने रेड किडनी बीन्स स्टार्ट में आपको दिखाए थे बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, वो बॉईल होने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल दिए थे ताकि कूल डाउन हो जाए। अब अच्छे से ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं इनको जिपलॉक बैग के अंदर डाल के अच्छे से एयर को रिमूव करके इसको जिपलॉक करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। आप एयरटाइट कंटेनर जो मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं आपने क्विकली सैलड बनाना हो तो जस्ट फ्रीज़र से निकाले डीफ्रोस्ट की और जल्दी से सैलड वगैरह रेडी कर लिया। अच्छा जी यहाँ पे बन रहा है रात के लिए फुलके बनाए जा रहे हैं, रोटी बनाई जा रही है सादी रोटी, तो अभी मैं वो बनाऊँगी। फिर हस्बैंड आ चुके हैं घर में तो ताज़ी ताज़ी रोटी बनेगी, खाना खाया जाएगा और फिर हमारा थोड़ा सा प्लान है बच्चों को लेके बाहर घूमने फिरने के लिए जाने का। ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पे मत्ता कॉर्निश पे चले जाएंगे, समंदर का एरिया है, एक साइड पे ग्रीनरी से बनी हुई है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, आप बैठ के डाइनिंग कर सकते हो, चाय वगैरह इंजॉय कर सकते हो, स्नैकिंग कर सकते हो। दूसरी साइड पर काफ़ी एंटरटेनिंग इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, लोग वॉक कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, फुटबॉल्स खेल रहे हुए होते हैं और साथ में गाड़ियां गुजर रही होती है, रोड है, रोड की एक साइड पे ग्रीनरी है, दूसरी साइड पे समंदर है, कॉर्निश एरिया बना हुआ है, तो वो बहुत ही रिलैक्सिंग और कंफर्टिंग लगता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है इस टाइम, तो बहुत मज़े का वेदर होता है। तो इंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।